डिपार्टमेंट को बराबर कहते हैं कि बहुत तेजी से काम करिए, अरे आपस में बात करिएगा कि सुनिएगा, आपका आपसे में पति आ रहे हैं, जब मंत्री जिसको बनाए हुए हैं तो बगले में पति आते रहते हो, इतना बात तो समझिए, इतना तेजी से काम करिए। आपके सेक्रेटरी साहब तो सुन रहे हैं लेकिन आप नहीं ध्यान दीजिएगा। बोले तोरे पिता कौन थे? मेरे दोस्त न थे जी, साथे न थे, रहे ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत तेजी से काम करिए। आप ही बोल रहे थे उप मुख्यमंत्री, सबको कम उम्र का, हम लोग का तो 73वां चल रहा है जी, आप लोग का कम है, सब लोग कम वाले, तो कम वाले हो तो इसको ध्यान से देखो कि तेजी से। आ तू तो फिर बगल वाले को ज्यादा उम्र वाले से बतिया रहे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसको ध्यान से सुनिए कि जो बचा हुआ है अब नाथ नगर का भागलपुर में, इसका भवन निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। भाई इतना देर हम बराबर करते, जल्दी से जल्दी करा दीजिए ये पॉलिटेक्निक संस्थान का, और इंजीनियरिंग वाला तो अब तो करीब एक एक ही जगह पर हो रहा है बक्सर का, तो ये सब पूरा हो जाएगा। और जानते हैं जब होता है तो हम जाते हैं देखने के लिए, कितना बार हम गए इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनता है तब पॉलिटेक्निक संस्थान अन्य संस्थानों के लिए, तो हम जा जा करके देखे हैं कितना अच्छा बिल्डिंग, और पहले से ही जब निर्माणाधीन था तब भी हम जा करके कहे थे कि इसमें करिए, तो जो भी पढ़ेंगे बच्चे बच्चियों को उनके रहने का पूरा जगह होना चाहिए, और दूसरी बात है जितने टीचर्स पढ़ाते हैं जितने इम्प्लॉयज हैं उनके रहने की जगह भी बननी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ताकि सब पढ़ा दें। आप जानते हैं आजकल जितने टीचर हैं सबको वहीं रखना, अगर जो पढ़ाने वाले अगर दूसरा जगह रहेंगे तो समय पर आवेंगे जी। इसीलिए हमने बराबर से कहा है कि सब जगह वहीं रखिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यहीं रहिए, इधर उधर मत रहिए, तो ये सब काम कर दीजिएगा सब जगह का, और यहां पर बैठे हुए भी बहुत लोग, तो सब लोग जरा जान लीजिए मेरी तो इच्छा यही है, हम भी इंजीनियरिंग है ना पढ़े जी। तो कौन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े पटना में बताइए, देश में जब 5 इंजीनियरिंग कॉलेज था उस समय का पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज था, और उसी में हम लोग रहते हैं, हम काहे इतना पढ़वा रहे हैं, बोलो ना तुम्हारा मतलब था, हालांकि हम कोई इंजीनियरिंग का नौकरी नहीं करने गए, हम तो शुरू से राजनीति में है वो अलग बात है, और तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि हम इंजीनियरिंग पढ़े, तो गए उनकी इच्छा के अनुसार, तो क्या करें। और एक बात और हम कह देते, आप विभाग का नाम क्या है, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, तब हमको लगा है कि खाली विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग नाम बदल करके इसका नाम कर दें विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। अब जब हम लोग शिक्षा बना दिए हैं सब जगह, जब बना रहे हैं इतना इंजीनियरिंग का, तो इसीलिए अब आपके विभाग का नाम हम लोग बने विज्ञान एवं प्रावैधिकी का नाम बदल करके विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हम लोग कर देंगे, और बहुत मेरी इच्छा है तो बहुत जल्दी अब कैबिनेट में ला के इसको फाइनलाइज करवाएंगे, समझ गए ना, ये इच्छा है, तो आपको हम आज कह रहे हैं तो तुरंत आज प्रस्ताव ला करके दे दीजिए, समझ गए कि नहीं, हम चाह रहे हैं ये नाम बदल जाए, आप अगर उनसे बतियाते रहते थे मेरा बतवे नहीं सुनते, अब तो कह दिए तब तो सुन रहे जी, हम भी चाह रहे हैं कि इसका नाम भी बदल जाए, तो इसका तो भी है बदल करके हम लोग करना चाहते हैं।